हेंस तो आलू खरीद के लाया जाता है, फिर उसको दो पीस में काटा जाता है और हाफ ऑफ द इनसाइड पार्ट वॉज स्कूप्ड आउट। दैट मीन्स उसका जो, जैसे सपोज एक आलू है, हमने उसको दो टू पीस में कट कर दिया है, उसके अंदर जैसे चम्मच से कुछ आलू को निकाल लेंगे और उसके अंदर पाउडर डाल देंगे ताकि हाथी ने को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कुछ मेडिसिन रखा गया है और उसको हम आराम से खिला सकते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस में डॉक्टर भी क्या करते हैं, ए लार्ज पोटैटो वाज ब्रट, बहुत सारे आलू को खरीदा जाता है। अगर हम उसको पर्टिकुलर एक ही आलू देंगे तो हो सकता है उसको पता चल जाए कि हाँ कुछ चल रहा है डॉक्टर्स के दिमाग में। तो उसके लिए डॉक्टर्स को बहुत सारा आलू खरीदना पड़ता है, केयरफुली कॉट इन टू टू हाफ, और उसको दो पार्ट में काटना पड़ता है। एंड ऑफ द इनसाइड पार्ट वाज स्कूप्ड, मीन्स आलू के जो अंदर की पार्ट को उसको चम्मच में गड्ढा किया जाता है। द पाउडर वाज पुट इन इट्स प्लेस, और उसी गड्ढे की जगह में पाउडर को रखा जाता है, डाला जाता है। एंड द पोटैटो वाज क्लोज्ड अगेन, फिर आलू को जो कटा हुआ दो पार्ट को उसको आराम से बंद किया जाता है ताकि पता नहीं चले कि आलू को काटा गया था या उसके अंदर कुछ पाउडरी सब्सटेंस या कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट रखा गया है। देन द डॉक्टर्स प्लेस्ड द कटिंग पोटैटोस ऑन द ट्रे, फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, कटा हुआ आलू को एक ट्रे में रखा जाता है, विच वॉज फुल ऑफ पोटैटोस। वो ट्रे में सिर्फ एक ही आलू नहीं, बहुत सारे आलू को रखा जाता है। एंड इन्वाइटेड द एलिफेंट टू टेस्ट देम, और हाथी को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, हाँ लो आपका ब्रेकफास्ट ले रेडी है या आपका लंच जो भी रेडी है आप खा सकते हैं। हैविंग ईटन ए फ्यू साउंड पोटैटोज, साउंड पोटैटोज मीन्स क्या है ना, मैंने कहा है यहाँ पे जो हाथी को एक ट्रे में भर के आलू दिया जाता है तो सारे आलू में मेडिसिंस नहीं रखा जाता है, एक ही पर्टिकुलर आलू होता है जिसमें मेडिसिंस रखा जाता है, तो उस आलू को ना बाद में दिया जाता है। तो पहले जो आलू खाएगा वो नॉर्मल लगेगा, उसको टेस्ट वाइज कुछ अलग नहीं लगता है। साउंड पोटैटोज मीन्स नॉर्मल टेस्ट, आलू का जो टेस्ट होता है। द सिक एनिमल एट लास्ट पिक्ड बाय द वन व्हिच हेल्थ पाउडर, सब खाने के बाद हाथी को ये पता चलता है, और वो लास्ट में वही आलू जिसमें पाउडर रखा गया था उसको खिलाया जाता है ताकि हाथी को ये पता नहीं चलता है कि उसके अंदर कुछ रखा गया है। जब वो बाद में खाता है, ही पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, खा लेता है, निकल लेता है। एंड विद ए फ्यू हरिड क्रंचेस इट वाज गन, और कुछ दो चार क्रंचेस के बाद, चबाने के बाद दो चार बार वो अपने अंदर उसके पेट के अंदर चला जाता है। द डॉक्टर्स लिटिल रिस्क हैज सक्सेस, ऐसे ही करके डॉक्टर अलग अलग ट्रिक्स को सक्सेस करता है, कैसे एनिमल्स को ट्रीट किया जाए अलग अलग डिजीज में, ये आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। स्टिल द एनिमल मोस्ट ऑफ गेस्ट एंड देयर वाज समथिंग क्वेर अबाउट द लास्ट पोटैटोस। एनिमल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी पता चलता है कि हाँ मैंने तो बहुत सारे नंबर ऑफ पोटैटोस खाए लेकिन जो लास्ट पोटैटोस था समथिंग क्वेर, क्वेर मीन्स कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अद्भुत लगा, उसको पता चल जाता है बाय टेस्ट कि हाँ उसमें कुछ है। फॉर आफ्टर ही एट स्वालोड इट, लेकिन ये सब कुछ होता है जब वो खा लेता होता है, तब उस टाइम वो कुछ कर भी नहीं सकता, हिज एपेटाइट सडनली डिसअपीयर्ड, मतलब जो भी बीमारी होता है वो तुरंत सही हो जाता है। आपने देखा डॉक्टर्स कितना इजी तरीका अपनाते हैं, कभी कभी ये स्टेप्स आसान नहीं होता है, बहुत रिपीटेडली उसको बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स अपनाना पड़ता है। इट इज़ सीन दैट एलिफेंट सेल्डम फॉल, ये भी रिसर्च के माध्यम से पता चलता है, जो हाथियाँ होते हैं वो अक्सर इतना बीमार नहीं पड़ते हैं, बट व्हेन दे फॉल इल, लेकिन जब भी बीमार पड़ते हैं द डॉक्टर्स फाइंड आउट द वे टू गिव द मेडिसिन व्हिच आर नियरली टू प्लीजेंट काइंड, लेकिन जब भी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर ये कोशिश करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से प्लीजेंट वे में, बिल्कुल इरिटेट ना करते हुए उनको कैसे मेडिसिंस दिया जा सके और उनको खाने के लिए वो प्रिफर करें, पसंद करें। वंस द डॉक्टर्स, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कैसे बहुत चालाक होते हैं, कभी कभी मेडिसिंस क्या होता है मीठा होने के बावजूद ना तो जानवर होते हैं सही हो जाते हैं फिर भी एक्टिंग करते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं नहीं हम बीमार हैं क्योंकि उनको मीठा चीज़ खाने के लिए पसंद है, तो वो चीज़ भी डॉक्टर पता कर लेता है नहीं ये सही हो गया फिर भी ये कर रहा है कि हाँ मैं बीमार हूँ क्योंकि उसको मीठा पसंद है। ये भी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। वंस द डॉक्टर गेव एन एनिमल स्वीट मेडिसिन फॉर एन अटैक ऑफ स्टोमक मेडिसिन, एक बार डॉक्टर्स ने एक एनिमल्स को कुछ मेडिसिन दिया उसके स्टोमक में पेन होने के लिए, पेन हो रहा था, बट दिस एनिमल्स प्रिटेंड टू बी इल इवन आफ्टर ही वॉज क्योर्ड इन ऑर्डर टू गेट द डेली डोज ऑफ मेडिसिन, लेकिन ये मेडिसिन के बाद वो एनिमल सही हो गया था लेकिन वो ऐसे
एक्टिंग कर रहा था, ये ऐसे शो ऑफ कर रहा था कि वो सही नहीं हुआ है, उसको रोज़ वो मेडिसिन की डोज चाहिए था। रीज़न क्या है ना, उसको मीठा पसंद था, इसको मीठा मेडिसिन खाने के लिए पसंद था, इसलिए ये वो शो ऑफ कर रहा था, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अभी तक सही नहीं हुआ। हिज ट्रिक वॉज सोन फाउंड बाय द डॉक्टर्स, लेकिन डॉक्टर ये भी चला कि उसका पकड़ लिया एंड द मेडिसिन वॉज स्टॉप, और दवाई को बंद करना पड़ा। डॉक्टर्स को पता चल गया कि इतने सारा दवाई देने के बाद ये जानवर सही क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन फैक्ट यह था कि जानवर सही हो गया था, लेकिन उसको मीठा खाने में पसंद था, इसलिए वो जानबूझकर वो डेली मेडिसिन खाने के लिए पसंद करता था। एनदर पैसेज इन ए जू वाज अ यंग जिराफ, सेकेंड एग्जाम्पल एक जिराफ के बारे में बताया गया है। ही वॉज ऑल्सो टेकन सिक, वो भी बीमार पड़ा। जिराफ वॉज लीकिंग ए लॉफ ऑफ शुगर, ही डजेंट सीम टू फाइंड वेरी मच इफ इट टेस्ट ऑफ मेडिसिन, उसको भी बहुत सारे मीठा पसंद था तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको मेडिसिन भी बहुत अच्छे लगते थे, तो वो भी कोशिश करता था चलो बीमार के बहाने मुझे मेडिसिन ही मिल रहा है, तो वो कभी मना नहीं करता था, वो कभी माइंड नहीं करता था, मीन्स वो कभी मना नहीं किया मेडिसिन खाने के लिए, वो बहुत ईजिली स्वालो कर लेता था, निगल लेता था। द मेडिसिन वॉज गिवन टू हिज एनिमल पेशेंट थ्राइस ए डे, तो डोज के हिसाब से डॉक्टर उसको पर डे थ्राइस मीन्स तीन बार वो दवाई देना पड़ता था। सो इट वॉज गिवन टू हिम ऑन ए लंप ऑफ लोफ शुगर एंड द जिराफ डिडंट माइंड टेकिंग इट, उसको दिन में तीन बार चीनी देना पड़ता था, बहुत सारा शुगर्स, लंप ऑफ शुगर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लंप मीन्स इरेगुलर शेप्ड मास मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता था, क्योंकि एक मेडिसिन का डोज था और जिराफ को मीठा भी बहुत पसंद था। वो नेवर ही डिडंट माइंड टू टेकिंग इट, कभी भी मेडिसिन लेने के लिए मना नहीं करता था, बहुत ईजीली स्वालो कर लेता, जो कि डॉक्टर्स को पता चल गया, तो थोड़ी डोज के बाद उसको भी मेडिसिन बंद करना पड़ा बिकॉज ही हैड ऑलरेडी क्योर, क्योंकि सही हो गया था। एनदर एनिमल एन आंट ईटर वंस पैलेट, सेकेंड एग्जाम्पल पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। एन आंट ईटर, एनिमल्स जो कि कीड़ा वगैरह आंट वगैरह खाने में प्रिफर करते हो, वो भी एक बार बीमार पड़ गया। द डॉक्टर सेड टू गिव हिम कैस्टर ऑयल, डॉक्टर को उसको कैस्टर ऑयल देना था मेडिसिन के तौर पर, बट द एनिमल्स वुडंट स्वालो इट, लेकिन जो एनिमल है वो खाने के लिए पसंद नहीं करता। हम भी घर में देखते हैं कभी हमारी जो गाय भैंस वगैरह बीमार पड़ जाते हैं, हमारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं हम उसको देने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत सारे मुश्किल सी बात जाके हमें एक एनिमल को ट्रीट करना पड़ता है, तो इमेजिन कीजिए डॉक्टर के लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा। तो वो भी डॉक्टर्स को कैस्टर ऑयल देना था, बट द एनिमल्स वुडंट स्वालो इट, लेकिन एनिमल उसको खाने की बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डॉक्टर्स डिस्कवर दी वे टू देयर डिफिकल्टीज, तो डॉक्टर को ये सोचना पड़ा तो क्या किया जाए, तो कैस्टर ऑयल को उसको आराम से खिलाया जा सके। द पोर्ड ए लिटिल ऑफ द ऑयल ओवर हिज पेशेंट्स हेड, तो उसके सर पे थोड़ा बहुत तेल को डाल दिया गया कैस्टर ऑयल, इट वॉज क्विकली लीक्ड अप बाय द एनिमल्स लंग, धीरे धीरे वो सर से ऐसे टपक टपक के उसके मतलब जो ऑयली है वो धीरे धीरे इसके मुँह पर आ गया, वार्म लाइक टंग एंड इन दिस वे, जैसे ही मुँह पर आ गया उसके पास कुछ ऑप्शंस नहीं था, उसको निगलना पड़ा, एंड दिस वे द आंट ईटर स्वॉलोड द फुल डोज ऑफ ऑयल, तो इसी तरीके से उसको तेल को खिलाना पड़ा, पहले सर पे डालना पड़ा, सर पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप अप ऑयल्स नीचे आते चला गया उसके मुँह में, उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं था, उसको ज़बरदस्ती वो खाना पड़ा, इसी तरह से वो सही हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन डे बर्ड कॉल्ड स्पून बिल, एक चिड़िया जिसका नाम है स्पून बिल, वो लिव्ड इन वन ऑफ द बिग आउटडोर केजेस, बहुत एक बड़ा केज में रहता था, गुफा में रहता था, सडनली बिकेम एम, जो कि बहुत ऐसे ही अचानक बीमार पड़ गया। द पेशेंट वॉज टोकन ओवर टेकन ओवर द जो हॉस्पिटल फिर इट वॉज डिसाइडेड दैट द ओनली क्यूर वॉज कैस्टर ऑयल, तो डॉक्टर्स को पता चला उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, अगर कोई दवाई उसको सही कर सकता है इट इज़ द कैस्टर ऑयल, ये कैस्टर ऑयल है जिसकी वजह से वो सही हो सकता है। नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डिसलाइक कैस्टर ऑयल एज मच एज यू डू, हमें पता है कि बहुत सारे चिड़िया होते हैं एनिमल्स होते हैं जिनको कैस्टर ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं, सो द मेडिसिन सेट टू मिक्स्ड इन द बर्ड्स फूड, इसलिए डॉक्टर्स को क्या करना था, जो मेडिसिन है उसको चिड़िया के खाने में मिलाना था, डॉक्टर ने ये सोचा कि मुझे खाने में मिला के देना पड़ेगा। सिंस ये स्पून बिल लिव्स मोस्टली ऑन फिश, द ओनली थिंग टू डन वॉज ओपन फिश एंड फिल इट विथ कैस्टर ऑयल, जैसे कि पता है स्पून बिल जो होता है वो ज़्यादा मछलियाँ खाने के लिए पसंद करता है, तो डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन था, वो मछलियों को काट के उसका जो स्टोमा को खाली पेट को खाली करवाया गया और उसी के अंदर कैस्टर ऑयल को भर के स्पून बिल को दिया गया, स्पून बिल मीन्स द बर्ड चिड़िया जो कि बीमार थी।
दस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू विजिट ए जू हॉस्पिटल्स। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हम जू या चिड़ियाघर घूमने जाएंगे तो हमें ये सेक्शन को देखना पड़ेगा, दैट इज़ द जू हॉस्पिटल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड टू टॉक द डॉक्टर्स अबाउट द एनिमल्स, डॉक्टर्स हमें जो राइटर है ये बोलने की कोशिश करें, जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे जू हॉस्पिटल घूमने की कोशिश करोगे और उसके साथ आप जो एनिमल्स डॉक्टर हैं उनके साथ थोड़ा बात करने की कोशिश करना है रिगार्डिंग द एनिमल्स डिजीज, जानवरों की बीमारियों के बारे में। एंड द ट्रिक्स, और अलग अलग ट्रिक्स तरीका कैसे अपनाते हैं, हु इज द डॉक्टर एडेप्ट टू मेक द सिक एनिमल्स स्वालो द मेडिसिंस, मेडिसिंस खाने के लिए कैसे वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं वो भी थोड़ा डॉक्टर के साथ कोशिश करना है, बात डिस्कशन करने की, कैसे सिखाते हैं या कैसे खिलाते हैं ये भी सुनना डॉक्टर से। द डॉक्टर्स आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे हैव ए गुड डील ऑफ नॉलेज।